यूपी में बीजेपी की जीत के बाद मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव को लेकर कही बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना में आ रहे रुझानों में बीजेपी को मिली बढ़त से बीजेपी में खुशी की लहर है। मतगणना के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बन रही है और यह एक नया इतिहास भी बन रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा है कि 30 साल का जो मिथक था कि नोएडा जाने के बाद कोई दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, वह मिथक भी टूटा है। लोगों का अंधविश्वास टूट रहा है कि अब नोएडा जाया जा सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने बहुत कोशिश की, चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना भी ले आए, लेकिन जनता ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हार का ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 2022 में बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद एक बार फिर से माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने में विफल साबित हो रही है। हालांकि बड़ी बात ये है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीत गए हैं। अखिलेश यादव ने 61,000 मतों के अंतर से करहल विधानसभा चुनाव जीता है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हो समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।